तो आज हम हमारे ब्लू लाइफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ ट्रेनिंग लेंगे. ओके, सो ब्लू लाइफ द गोल्डन मूव दैट हैज चेंज्ड मेनी लाइव्स. ऑलराइट, तो पहले ये समझते हैं कि वेलनेस की जरूरत क्यों है. ओके, तो हम जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं तो इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, इसे हमें क्यों लेना चाहिए. ओके, तो हम तो ठीक से खाना खा ही रहे हैं, तो हमारे खाने में तो सारा न्यूट्रिएंट्स है ही, तो अलग से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत क्यों है. ओके, तो द एसेंस ऑफ वेलनेस इज, पहले के जमाने में अगर आप देखें तो हम ज्यादा दिन जीते थे और काफी ज्यादा दिनों के बाद ही लोग मरते थे, तो उनका जो लाइफ स्पैन था वो काफी लंबा था. लेकिन आज के जमाने में अगर आप देखें तो लोगों का लाइफ स्पैन काफी छोटा हो गया है. ठीक है, तो किस वजह से ये हुआ है, तो उस जमाने के लोग ज्यादा क्यों जीते थे. ठीक है, तो उस जमाने में अगर आप देखें तो ये जो किलर डिजीजेस थे या कुछ डिजीजेस जिसके वजह से लोग मरते थे, तो वो था समथिंग लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. ठीक है, लेकिन आजकल इन बीमारियों के लिए आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी अपना इतना इंप्रूव हो गया है कि इन सारे डिजीजेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है या इनके लिए कोई ट्रीटमेंट या क्योर अवेलेबल है. तो आजकल के जमाने में आप ऐसा कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई मलेरिया या यू नो डिप्थीरिया या चिकन पॉक्स के वजह से मर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो चुका है. ओके, तो आजकल के जमाने में लोग कैसे डिजीजेस की वजह से मरते हैं, तो अभी आप देखेंगे तो आजकल के जमाने में लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है. तो हमारा जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान का आदत है, हमारा जो बाहर ज्यादा जंक खाने की आदत है, जो ज्यादा यू नो प्रिजर्वेटिव्स, कैंड प्रोसेस्ड फूड्स खाने की आदत है, तो इन खाने के या इन लाइफस्टाइल के वजह से डिजीजेस जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, अल्जाइमर्स हो, आस्थमा हो, ओबेसिटी हो, ऐसे जो डिजीजेस है वो उन्हें अब हम किलर डिजीज कहते हैं. तो लोग मलेरिया या डिप्थीरिया से नहीं मरते आजकल, तो आजकल के जमाने में लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस के वजह से मरते हैं. और ये किस लिए, तो उस जमाने में जो हम खाना खाते थे वो एक औषध के बराबर था, क्योंकि उसमें पौष्टिकता जो थी वो बहुत ज्यादा थी. ओके, तो हमारा जो खाना था उस जमाने में वो न्यूट्रिएंट रिच था और उसमें टॉक्सिन्स बहुत कम थी. ओके, पर आजकल के जमाने में आप देखो तो क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है, तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर देना पड़े तो वो आंसर होगा कि नहीं, आजकल के खाने में न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें सब कुछ मिलेगा. क्यों? क्योंकि उतना सारा पोल्यूशन है, उतने सारे एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, उतना सारा पेस्टिसाइड्स डाला जाता है एक क्रॉप को उगाने के लिए. तो आप देखें तो हमारे आजकल के खाने में न्यूट्रिएंट्स कम और टॉक्सिन्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है. ओके, तो हमारा जो खाना है वो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पेस्टिसाइड से लोडेड है, प्रिजर्वेटिव से लोडेड है, प्रोसेस्ड फूड होते हैं. तो इन सारे रीजंस की वजह से आज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की एक जरूरत आ चुकी है. ओके, तो उस जमाने के लोग जो खाना खाते थे, जो सब्जियां लेते थे, जो फल खाते थे, वो सारा न्यूट्रिशन से भरा हुआ था. तो उन्हें नेचुरली खाने से न्यूट्रिशन मिलता था, उनके बॉडी को वो न्यूट्रिशन या वो पौष्टिक आहार मिलता था. लेकिन आजकल के जमाने में अगर आप देखें तो हम आज जो खाना खाते हैं उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है. ओके, तो इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है. ओके, तो क्या आप अपने खाने के बारे में जानते हैं? तो जब हम कहते हैं कि आजकल हमारा खाना जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, मतलब क्या? तो आजकल हमारा जो खाना है वो अडल्ट्रेटेड है. अडल्ट्रेटेड माने खाने के लायक ही नहीं है, उसे पूरा मतलब वो दिखने में जितना सुंदर हो या उसे दिखने में और एपेटाइजिंग या उसे दिखने में और अच्छा बनाने के लिए, न्यूट्रिटिव बनाने के लिए उसमें बहुत सारे ऑल्ट्रेशंस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अडल्ट्रेशन या फूड अडल्ट्रेशन. ठीक है, तो अगर आप देखें तो आजकल जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, उसमें टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स डाला जाता है. ओके, तो अभी आप देखें तो कोई भी सब्जी हो या फल हो या आपके जो ज्वार, राइस, मेज, जो भी आप ग्रो करते हैं, तो कोई भी चीज रेगुलरली हमारे मिट्टी पे नहीं उगते हैं. ठीक है, तो उस मिट्टी पे हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि यू नो जल्दी से ग्रो हो, जल्दी से यू नो हम उसे
निकाल के सेल कर पाए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। उसके अलावा जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं हमारे लाइफ में, तो वो कोई भी कैन ड्रिंक हो सकता है या बॉटल ड्रिंक हो सकता है, वो चीनी से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो रेगुलरली हम जब कोई फ्रेश जूस पीने जाते हैं तो ज्यादातर लोग उसमें चीनी डालना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो जो फ्रूट का एक्चुअल टेस्ट है और एक्चुअल जो यू नो वो फील है एक फ्रूट जूस पीने का, वो फील चला जाता है चीनी के वजह से। लेकिन यही जब आप कोई बॉटल जूस या कैन जूस लेते हैं तो क्या होता है, उसमें भर के फ्रूट के अलावा उसमें चीनी होता है और फ्रूट कॉन्सेंट्रेट होता है, न फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। तो उन कॉन्सेंट्रेट्स और चीनी के साथ साथ इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो आपके बॉडी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स को खींच के निकाल देता है, ठीक है। तो अनजाने में हम क्या करते हैं, दिन ब दिन इसे पीते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी से जो कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा है वो कम होती जाती है, ओके। तो इसके अलावा ब्रॉयलर चिकन है जिनमें ग्रोथ प्रमोटर्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि ये चिकन जो है वो जल्दी ग्रो हो। तो नेचुरली एक चिकन को ग्रो होने के लिए 2 से 3 साल लगता है, लेकिन ब्रॉयलर चिकन जो हमें मिलता है वो 48 to 50 days में उसे ग्रो करके उसे बेचा जाता है, ठीक है। और हाई लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है पाउल्ट्री में। इसके अलावा हमारे फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स में अगर आप देखें तो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जो हम कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो कॉस्मेटिक्स आप जानते हैं राइट, जो हम चेहरे पे डालते हैं या बॉडी पे डालते हैं, तो ऐसे चीजों को अगर हमारे खाने पे डाल दिया तो सोचिए उसका क्या इल इफेक्ट्स हो सकता है हमारे बॉडी में, राइट। तो एक पाउडर या एक परफ्यूम में डालने वाला एक चीज अगर आपके खाने में डाला है तो क्या आप उस खाने को खा पाएंगे, अगर आपको वो पता होगा तो। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में कई सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आइसक्रीम में डाइईथाइल ग्लाइकॉल होता है जो पेंट रिमूवर्स में यूज किए जाते हैं, तो आइसक्रीम भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक एक कैटेगरी के फूड को अगर आप लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कैटेगरी का फूड आजकल हमें सूट करने जैसा नहीं है। कोई भी फूड में किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं है, अगर हो तो भी वो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जितना नहीं है। तो ये रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, तो एक दिन में अगर आपके बॉडी के अंदर ये एक्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलना है तो मेरे दूध पीने से या मेरे कोई सब्जी खाने से या चीज या पनीर खाने से उतना कैल्शियम मुझे सिर्फ खाने से मेरे बॉडी में मिलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। लेकिन आजकल हम अगर हमारे खान पीन को देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 10% ऑफ द आरडीए इज व्हाट आवर बॉडी गेट्स, ठीक है। तो बाकी 90% हमें कहाँ से लेना है, तो डेफिनेटली हमें बाकी 90% हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ही प्राप्त करना है, ऑलराइट। तो इसके वजह ये इस सब के लिए रीजंस क्या है, हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल, और ये जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ओबेसिटी, ये तो हम सब जानते हैं, न सिर्फ एडल्ट ओबेसिटी, अगर आप देखें तो आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ही हाई राइज पे है, कि बच्चे भी बहुत सारा जंक खाते हैं और आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा डायबिटीज, तो पहले डायबिटीज 40-50 उम्र के बाद आती थी, आज आप देखें तो 20 साल के उम्र से किसी को भी डायबिटीज आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जुवेनाइल डायबिटीज भी है, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ होता है तो उस बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये सब हमारे एक फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से है, ठीक है। तो इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, 60% हमारे वर्ल्ड में जितने डेथ होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से होते हैं, तो वो डायरेक्टली हार्ट अटैक नहीं, उसके अलावा कोई और यू नो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस है, कैंसर है, अर्ली प्यूबर्टी है और अर्ली मेनोपॉज है, इनफर्टिलिटी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल, हमारा फॉल्टी यू नो खाने पीने की जो आदतें हैं उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इन्हें क्या करेक्ट करना पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अगर हम हमारे खाने पीने के स्टाइल को चेंज करें, हम जितना हो सके अगर नेचुरल फूड खाएं, अपना फल अपना सब्जी हम खुद उगाएं, ठीक है। तो ये सब सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, तो हर कोई शायद नहीं कर सकता है। तो 10 में से शायद एक कहेगा कि हाँ
मेरे पास जगह है, मुझे टाइम है, मैं अपना खुद का सब्जी ग्रो करूंगा और वही खाऊंगा। तो ऐसे जो लोग खाएंगे उन्हें नेचुरली सारा न्यूट्रिशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बट बाकी लोग जिन्हें सर्वाइव होना है, जो मिलता है उसे खाके, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने डेली डाइट में या डेली रूटीन में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ऐड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं ब्लू लाइफ के पास कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं आपको ऑफर करने के लिए, और ये सप्लीमेंट्स आपको कैसे कैसे चीजों से आपको कैसे क्रॉनिक डिसीजेस के अगेंस्ट आपको एक प्रिवेंशन दे सकता है, कैसे डिसीजेस के अगेंस्ट एक काइंड ऑफ क्योर दे सकता है, कैसे क्रॉनिक डिसीजेस के ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पे यूज किया जा सकता है, और कौन से कॉम्बिनेशंस को हम किस किस चीजों के लिए दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन रिजुवेनेशन पैक। तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे ब्लू लाइफ का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स जो है वो हमारे बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नया डिटॉक्सिफिकेशन रिजुवेनेशन पैक आया है वो एक इम्प्रूव्ड फॉर्मूला है। तो ये आपके बॉडी को और एफिशिएंटली डिटॉक्स करने के लिए मदद करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें हमने और 7 एडिशनल आयुर्वेदिक फाइटो एक्सट्रैक्ट्स को ऐड किया है, ठीक है। तो ये एक इम्प्रूव्ड फॉर्मूला है, एक इम्प्रूव्ड किट है, जहां पे हमने 7 एडिशनल आयुर्वेदिक फाइटो एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, जिसके वजह से आपका बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस वो और एफिशिएंटली होगा और आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लाइट फील कर पाएंगे। ओके, तो इसमें ये 7 एडिशनल फाइटो एक्सट्रैक्ट कौन से हैं? तो इसमें हमने डाला है हरिद्रा, कटुका, अटासी, तुलसी, सिगरू, आत्मगुप्ता और गोक्षुरा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन नए एक्सट्रैक्ट्स को हमने किन किन प्रोडक्ट्स में डाले हैं और उनका क्या बेनिफिट्स है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन रिजुवेनेशन में। ओके, तो हमारा जो डिटॉक्स किट है इसमें दो फेज है मेनली, एक है डिटॉक्सिफिकेशन और एक है रिजुवेनेशन, राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फेज है वो फर्स्ट 7 डेज का होता है और रिजुवेनेशन का जो फेज है वो 8th day to 14th day का होता है। ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ओवरऑल हमारे लिवर को हेल्दी रखने में और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं, क्योंकि अगर हमारा लिवर सही हो तो हमारा ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सही होता है, ठीक है। तो ये किस लिए? क्योंकि लिवर हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो डिसाइड करता है कि बॉडी के अंदर किसे रखना है और किसे हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है, ठीक है। तो अगर हमारा लिवर हेल्थी है तो ओवरऑल हमारा जो बॉडी है वो हेल्थी होगा, ऑलराइट। और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में सेकेंड स्टेप होगा प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का, जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स, अनवांटेड चीजों को निकालने में मदद करेगा, एक्सेस फ्लूइड्स को आपके बॉडी से निकालने में मदद करेगा, ऑलराइट। और हमारा सेकेंड फेज जो है वो है रिजुवेनेशन फेज, जिसमें हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक होगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में और एक होगा एक ओवरऑल वेलबीइंग के बारे में, ऑलराइट। और इन चार प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम इसमें है हर्बल टी, ये है एक ग्रीन टी जिसमें हम ग्रीन टी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे डिटॉक्स किट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे डिटॉक्स किट के डिटॉक्सिफिकेशन फेज जो है उसमें हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक है लिवर सपोर्ट और एक है हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, तो लिवर सपोर्ट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कोई भी तरीके का लिवर प्रॉब्लम हो, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो या वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो या वो कोई ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी की वजह से हो, लिवर सपोर्ट के रेगुलरली खाने से आपका लिवर जो है वो प्रोटेक्टेड होगा और आपके लिवर का जो फंक्शनिंग है उसे बनाए रखने में लिवर सपोर्ट काम करता है। ओके, तो लिवर सपोर्ट में क्या क्या है? इसमें है भूम्यमलकी, सारापुंका, पुनर्नावा, यवतिक्ता, पिप्पली, भृंगराजा, अर्जुना, और हमने इसमें अभी हरिद्रा और कटुका जैसे
नए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये हरिद्रा और कटुका का रोल लिवर सपोर्ट में क्या है? तो हरिद्रा जो है वो बाइल प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करने के लिए काफी बोन इंग्रेडिएंट है, ऑलराइट। तो ये आपके बाइल प्रोडक्शन भी एक कंट्रोल रखता है और आपके बॉडी के फैट डाइजेस्टिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर एक्सेस फैट आपके बॉडी में है तो उस फैट को ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और अगर देयर इज अ फैटी डिपोजिशन आपके लिवर के इर्द गिर्द है तो उस फैट को मेल्ट करने में ये मदद करता है। तो कटुका क्या करता है? तो अगेन कटुका भी फैटी लिवर कंडीशन को मैनेज करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो फैटी लिवर एक ऐसा कंडीशन है जहां पे लिवर के इर्द गिर्द फैट डिपोजिशन हो जाता है। तो ये दो चीजों की वजह से हो सकता है, एक है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये फैट डिपॉजिट हो सकता है, और दूसरा है आपके खाने की आदतों की वजह से ये फैट आपके लिवर के इर्द गिर्द डिपॉजिट हो सकता है। ओके, तो ये है लिवर सपोर्ट, और इसका सजेस्टेड यूसेज है एक कैप्सूल सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद पहले 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन फेज में आएगा, ये फर्स्ट 7 डेज के लिए हम सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल लेंगे, ऑलराइट। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन में है हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन कैप्सूल। तो ये एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है जहां पे ये हमारे बॉडी से सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में मदद करता है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, और हमारा जो बावल मूवमेंट है उसे रेगुलराइज करने में मदद करता है। ओके, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमने सोनामुखी, यष्टि मधु, शुंठि, एला, त्रिफला जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और हमारे नए डिटॉक्स किट में हमने इस फॉर्मूला को और इम्प्रूव किया है, और इसमें हमने डाला है अटसी या फ्लैक्स सीड जो हमारे बबल मूवमेंट को रेगुलराइज करने में काम करता है, और हमारा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उस कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने में काम करता है। तो जब कॉन्स्टिपेशन मैनेज होता है और आपका बबल मूवमेंट रेगुलराइज हो जाता है तो इस बबल के थ्रू हमारे बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम करता है, ऑलराइट। तो ये है हमारा हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन कैप्सूल जिसे हम आपको फर्स्ट टू सेवेंथ डे रात को डिनर के बाद एक कैप्सूल लेने के लिए रेकमेंड करते हैं, ऑलराइट। तो ये हुआ हमारा डिटॉक्सिफिकेशन फेज। तो चलिए देखते हैं रीजनरेशन फेज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑलराइट। तो हमारे रीजनरेशन फेज में 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है इम्यूनिटी सपोर्ट और एक है टोटल हेल्थ। तो इम्यूनिटी सपोर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जनरली आपके टायर्डनेस और फटीक को रिमूव करने में मदद करता है, और इसके अलावा आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, और हार्मफुल पैथोजेंस या कोई भी तरीके का वायरस बैक्टीरिया से आपके बॉडी को फाइट करने के लिए ये तैयार करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंग्रीडियंट्स है? तो इसमें ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जैसे अश्वगंधा, अमलत्ती, वराही गंधा, शतावरी, गुरुजी, और हमारे न्यू इम्यूनिटी सपोर्ट में हमने तुलसी और सिगरू या मोरिंगा को हमने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को और बेहतरीन बनाने के लिए मदद करेगा। तो इसमें चलिए देखते हैं तुलसी और मोरिंगा या सिगरू की क्या बेनिफिट्स है। तुलसी जो है वो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने में या आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये आपके साइकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और सिगरू या मोरिंगा जो है ड्रमस्टिक, वो आपके ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने में और आपके डाइजेस्टिव एबिलिटी को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। ओके, तो इसे हम कब रेकमेंड करते हैं? 8वें दिन से 14वें दिन तक सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, तो ये था इम्यूनिटी सपोर्ट। और हमारे रीजनरेशन फेज में एक और प्रोडक्ट है टोटल हेल्थ। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये आपके टोटल ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रखता है। तो अगर हमने हमारे डिटॉक्सिफिकेशन फेज में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने लूज किया है तो टोटल हेल्थ के थ्रू हम हमारे अंदर वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम फिर से रीप्लेनिश कर सकते हैं। और जो हमारे बॉडी में थोड़ा सा थकावट महसूस होता है बिकॉज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन या फ्लूइड लॉस, उसे ठीक करने के लिए टोटल हेल्थ में जो इंग्रेडिएंट्स है
वो सारी इकट्ठा आके काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि टोटल हेल्थ में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें है यष्टि मधु, अमलक की वराही कंदा, और हमारे न्यू इम्प्रूव फॉर्मूला में हमने डाला है गोकशुरा और आत्मगुप्ता। तो गोकशुरा का क्या रोल है, ये आपके एनर्जी और वाइटालिटी लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और आत्मगुप्ता आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। तो जैसे ही आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बनाया रहता है तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स का जो मात्रा है वो हमेशा वो और एंटीऑक्सीडेंट का जो मात्रा है वो इक्वल हो जाता है, और फ्री रेडिकल डैमेज से ये आपके बॉडी को बचाता है। ऑलराइट, तो इसका रेकमेंडेड डोसेज है 1 कैप्सूल पोस्ट डिनर 8वें दिन से 14वें दिन तक। तो ये हुआ हमारा रिजुनुएशन फेज। तो हमारा डिटॉक्स किट है जो है ये 14-डे प्रोग्राम क्यों है, तो अगर आप क्लासिक आयुर्वेदा में देखेंगे तो कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 14 दिन का प्रोसेस होता है, और हमने क्लासिकल आयुर्वेदा से इंस्पायर होके हमारा डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनुएशन किट बनाया है, जो आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के साथ इस किट में है हमारा हर्बल टी, जो एक ग्रीन टी है जिसे हमने त्रिकटू एक्सट्रैक्ट और कोकम के साथ एनरिच किया है। तो हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी में ग्रीन टी कैटेचिन्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में मदद करता है। त्रिकटू जो है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और कोकम या वृक्ष आंवला जो है वो एक वेट मैनेजमेंट के तौर पे आपके बॉडी में काम करता है, आपके बॉडी की फैट को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। ओके, तो इसका सजेस्टेड यूसेज है 1 to 2 bags a day, एक बार या दो बार, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एवर यू कैन टेक। ऑलराइट, तो ये है हमारा हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनुएशन किट। तो इसे हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि 1 to 3 months आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए, बिकॉज आजकल के जमाने में जितना पोल्यूटेंट्स केमिकल्स को हम एक्सपोज होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन बिल्डअप है वो काफी जल्दी हो जाता है। तो हर 3 महीने में अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हमारा बॉडी तैयार हो जाता है बाकी न्यूट्रिएंट्स को और एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में। तो अगर मैंने कभी अपने बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन किया ही नहीं है और मैं कुछ मल्टीविटामिन या कर्क्यूमिन या कोलेस्ट्रॉल या इम्यूनिटी सपोर्ट ले रही हूँ तो उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ 50% होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स हमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, जिस वजह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स का जो इफेक्ट्स है वो हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं होगा या इसके जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो जैसे ही आप एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस खत्म करके जब आप न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये आपके बॉडी को तैयार करता है ताकि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लें वो आपके बॉडी में efficiently absorb हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनुएशन पैक। ये एक इम्प्रूव्ड डिटॉक्स किट है जिसमें हमने 7 additional आयुर्वेदिक फाइटो एक्सट्रैक्ट्स को ऐड किया है ताकि आपको बेहतर बेनिफिट्स मिले और बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो और बेहतरीन तरीके से हो। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सुपर ओमेगा विथ एस्टाजेंथी। तो ये है हमारा क्रिल ऑयल। ओके, सो ये जो क्रिल ऑयल है ये हम कई तरीके के यू नो हेल्थ इश्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और विजन हेल्थ के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैसे हैं और ये फिश ऑयल से कैसे डिफरेंट है। तो जनरली अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है फिश ऑयल। तो हर कोई जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेता है वो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेता है, क्योंकि फिश ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो चलिए देखते हैं कि क्रिल ऑयल फिश ऑयल से बेहतरीन क्यों है। तो अगर आप देखें तो ये जो EPA और DHA जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो फिश ऑयल में भी अवेलेबल है, क्रिल ऑयल में भी अवेलेबल है। ओके, और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए गुड फॉर योर हार्ट, जो आपको इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज उनके सेम है। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है।
फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। तो फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 हमें मिलता है उसे हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारे बॉडी को उसे और ब्रेक डाउन करने के बाद ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता है हमारे बॉडी में। और ये एक चीपर और मोर एक्सेसिबल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो जब जबकि हम क्रिल ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है अगर हम देखें तो ये एक फॉस्फोलिपिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे हर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं जिसके वजह से क्रिल ऑयल के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बॉडी अपना समझ के इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। और ये क्रिल ऑयल जो है इसमें नेचुरली एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है जिसे हम एस्टाजैंथिन कहते हैं। ये एस्टाजैंथिन जो है वो हमारे क्रिल ऑयल की स्टेबिलिटी को और बढ़ाता है और हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ऑलराइट, तो चलिए हमारे ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल में क्या क्या खूबियां है। तो हमारा क्रिल ऑयल अगर आप देखें तो अंटार्कटिक क्रिल से लिया जाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये एक रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड है, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स के तौर पे प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। इसमें एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एस्टाजैंथिन है जिसे हम किंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और एस्टाजैंथिन जो है वो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड को स्टेबल बनाए रखने में मदद करता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल क्या है। तो ये हमने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया है जिसके वजह से आपको जो ढकार आएंगे उसमें ये फिशी ओडर या बर्ब्स नहीं आएंगे। और क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और रिफ्लक्स नहीं देता, ओके। ये नेचुरल एस्टाजैंथिन के साथ आता है। इसमें जो क्रिल ऑयल है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो और स्टेबल फॉर्म है क्योंकि इसमें एस्टाजैंथिन प्रेजेंट है। ये मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है और इसमें जो फैटी एसिड है वो बेटर एब्जॉर्बेबल फैटी एसिड है क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि हमारे ब्लू लाइफ क्रिल जो है वो बाकी क्रिल ऑयल से कैसे और एफिशिएंट है। तो अगर आप देखें तो ये 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है बाकी फिश ऑयल और बाकी क्रिल ऑयल से। इसमें जीरो रिफ्लक्स या नो आफ्टर टेस्ट है और सिंस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें एस्टाजैंथिन जो है वो 7 गुना ज्यादा है। तो अगर आप कोई और क्रिल ऑयल लेंगे और आप हमारा ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल लेंगे तो हमारे ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल में 7 गुना ज्यादा एस्टाजैंथिन प्रेजेंट है। इसमें रेसिड्यूज बहुत कम है। इसमें हमने जो प्रोसेस यूज किया है एक्सट्रैक्शन के लिए हमने कोई भी तरीके का अल्कोहल यूज नहीं किया है और इसमें कोई भी तरीके का हैवी मेटल्स या कंटामिनेंट्स नहीं है क्योंकि क्रिल जो है वो अंटार्कटिक ओशन के एकदम लास्ट सरफेस में पाया जाता है जहां पे पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और वहां पे कोई भी तरीके का कंटामिनेंट्स होना नामुमकिन है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो अगर ब्रेन हेल्थ के लिए हम देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA जो है डोकसा हेक्सेनोइक एसिड ये हमारे परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेन को इम्प्रूव करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हम सबने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे कि बोर्नविटा DHA के साथ, हॉर्लिक्स अब DHA के साथ आपके बच्चे के लिए बेहतरीन ब्रेन हेल्थ। तो ये वही DHA है जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड में भी है जो एफिशियंटली एब्जॉर्ब हो सकता है और ये आपके ब्रेन रिलेटेड कॉग्निटिव इश्यूज को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे ADHD या अटेंशन डेफिसिट फंक्शंस हो, अल्जाइमर्स हो, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, तो इन सारी चीजों को कॉम्बैट करने में क्रिल ऑयल जो है वो हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कि आई हेल्थ में हमारा क्रिल ऑयल क्या रोल प्ले करता है। तो जनरली ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन ड्राई आई या मैक्युलर डिजेनरेशन। तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत एफिशिएंट है जहाँ ये ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को मैनेज करने में मदद करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है।
ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है जिसके वजह से इसे इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में भी हम यूज कर सकते हैं। ये इन जनरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में मदद करता है क्योंकि इसमें एस्टाजेंथिन है। ये स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एस्टाजेंथिन को एक ओरल एंटी एजिंग कहा जाता है और क्योंकि हमारे क्रिल ऑयल में नेचुरली एस्टाजेंथिन प्रेजेंट है तो ये हमारे स्किन हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हमारा ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल ये है कि ये पीएमएस सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करता है। तो ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड स्टडी है जहां पे यू नो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे हमने ये देखा है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को मैनेज करने में ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल बहुत ही एफिशिएंट है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि लेडीज का ये जो मंथली पीरियड्स का रूटीन होता है तो वो मंथली पीरियड्स के वक्त उनके बॉडी में बहुत सारा हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उनके ओव्यूलेशन पीरियड से जब तक उन्हें पीरियड्स नहीं आते हैं तब तक का जो एक स्पैन टाइम स्पैन है उसमें जो हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं उस वजह से बहुत सारी औरतें मूड स्विंग्स ओके स्ट्रेस ओके एंजाइटी ऑलराइट डिप्रेशन ऐसी चीजों को कॉम्बैट करते हैं। तो ऐसे चीजों को मैनेज करने के लिए ओव्यूलेशन टाइम से उनके पीरियड्स खत्म होने के टाइम तक अगर क्रिल ऑयल सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो इस पीएमएस सिम्टम्स को कम करने में ये बहुत ही एफिशिएंट सप्लीमेंट माना गया है। इसके अलावा कुछ औरतों को पीरियड्स के समय में जो एब्डोमेन क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत सारे पेन किलर्स लेते हैं तो इन पेन किलर्स को कम करने के लिए भी क्रिल ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रिल ऑयल सप्लीमेंटेशन जब रेगुलरली हम ले तो ये पेनफुल क्रैम्प्स को कम करने में भी मदद करता है। ऑलराइट, तो ये हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में भी ब्लू लाइफ क्रिल ऑयल जो है वो एक एफिशियंट इन्ग्रीडियंट पाया गया है। ओके, तो इसका सजेस्टेड यूसेज है one soft gel per day or as directed by your healthcare professional. तो अगर आप अपने general well-being के लिए krill oil लेना चाहते हैं तो एक soft gel ले सकते हैं खाने के बाद, कोई भी meal के बाद आप ले सकते हैं। और अगर आपको exclusively कोई heart problem है या आपको कोई joints या inflammatory conditions है joint पे या कोई metabolic disorders है तो उसे और efficiently manage करने के लिए आप अपने allopathic medication के साथ krill oil को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पे ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस पे हम टू सॉफ्ट जेल्स लेना रेकमेंड करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्रिल ऑयल हमारी इम्यूनिटी में क्या रोल प्ले करता है। तो हमारे रोज के डे टू डे रूटीन में जब हम कोई एक्सरसाइज या कोई भी तरीके का फिजिकल परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे बॉडी में जो इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन और नेचुरल किलर सेल्स है इनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें क्या है? तो इन्हें हम हमारे इम्यून सेल्स कहते हैं। तो जब हमारे इम्यून सेल्स की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाता है। ऑलराइट, तो क्रिल ऑयल के सप्लीमेंटेशन से क्या होता है? जब हम क्रिल ऑयल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है और इंटरल्यूकिंस इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स जैसे सेल्स को फिर से उनके उनके जो प्रॉपर्टीज है उन्हें एक्टिवेट करता है। और जैसे ही हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यूनिटी लेवल्स है वो बूस्ट हो जाता है और हमारा जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो इसके लिए हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे? तो जनरली हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे डायबिटिक्स, क्योंकि उन्हें हम अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल्स मैनेज करने के लिए हम क्रिल ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। और जिन्हें भी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो या कोई भी जॉइंट पेन हो, उन्हें उनके जॉइंट के स्टिफनेस और पेन को मैनेज करने के लिए हम क्रिल ऑयल रेकमेंड कर सकते हैं। और क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड फॉर्म में है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये एथलीट्स या कोई भी इंसान जिनके डेली रूटीन में एनर्जी की जरूरत होती है उनके एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। ओके, और मेनली जैसे मैंने कहा हमारा ब्लू लाइफ क्रिल जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट
न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो विमेन को पेनफुल पीरियड्स, मूड स्विंग्स और पेनफुल क्रैम्प्स जो है उसे मैनेज करने में मदद करता है. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है. हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कर्क्यूमिन अल्ट्रा. ये एक 46 टाइम्स बेटर अब्सॉर्बेबल कर्क्यूमिन है जो हमने लाया है. तो ये एक बेटर बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन है. इसमें जो कर्क्यूमिनॉइड है उसका प्रोफाइल जो है वो नेचुरल टर्मरिक से मिलता जुलता है. ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन वाला टर्मरिक है जो हमारे बॉडी में 12 घंटे तक काम करता है. और यही एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो USP वेरीफाइड है और ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन सप्लीमेंट है. ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में क्या क्या चैलेंजेस है और ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में हमने इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया है. तो अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो है उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है या पुअर है. ओके, उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी लो है और जो उसका अब्सॉर्प्शन रेट है वो भी काफी लो है. इसके पुअर सॉल्युबिलिटी और अब्सॉर्प्शन के वजह से हमें लार्ज डोसेस ऑफ कर्क्यूमिन देने पड़ते हैं छोटा सा एक हेल्थ बेनिफिट देखने के लिए. और जब आप स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन का वायबिलिटी देखते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन है वो हमारे बॉडी में सिर्फ 3 से 4 घंटे तक एक्टिव होता है, उसके बाद हमारे बॉडी से ये बाहर निकल जाता है. ऑलराइट, तो जबकि हम अगर ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा को देखें तो हमने इसे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया है जहां पे इसे हम इसकी सॉल्युबिलिटी को हमने इम्प्रूव किया है, इसके बायो अवेलेबिलिटी को हमने इम्प्रूव किया है और इसके एब्जॉर्प्शन को हमने 46 टाइम्स ज्यादा बनाया है विद नो रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट्स. ओके, तो क्योंकि हमारा ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से बेहतर है, ये लोअर डोजेस में बेटर हेल्थ बेनिफिट्स एग्जिबिट करता है और ये हमारी बॉडी में 12 घंटे तक, तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा का जो रिटेंशन टाइम है बॉडी में वो है 12 आवर्स और ये 12 आवर्स तक अपनी काम अपना जो काम है वो बनाए रखता है और हमारे बॉडी को कर्क्यूमिनॉइड्स का जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलना चाहिए उसे देते रहता है. ऑलराइट, तो चलिए इसके की बेनिफिट्स देखते हैं. सो कर्क्यूमिन जो है वो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में, रेस्पिरेटरी डिजीजेस में और डायबिटीज में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. कर्क्यूमिन आपको हार्ट डिजीजेस को के रेट्स को कम करने में मदद करता है और जब हम रेगुलरली कर्क्यूमिन को सप्लीमेंट करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये एक एंटी कैंसर के तौर पर काम करता है. तो क्या कर्क्यूमिन अल्ट्रा एक एंटी कैंसर ड्रग है? नहीं, हम इसे एक मेडिसिन या मेडिकेशन नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो कर्क्यूमिन अल्ट्रा है वो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है टू हेल्प मैनेज कैंसर. तो कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है तो उनको उनके रेगुलर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स या मेडिसिन या उनके कीमोथेरेपी के साथ जब आप उन्हें कर्क्यूमिन अल्ट्रा देते हैं तो ये उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है. न सिर्फ उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है बट ये उनके लॉन्गेटिविटी या लाइफ स्पैन को बढ़ाने में मदद करता है. तो कर्क्यूमिन करता क्या है? ये जाके कैंसर सेल्स को टारगेट करता है और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करता है जिसके वजह से ये कैंसर को स्प्रेड होने से, मतलब ज्यादा स्प्रेड होने से मैनेज करता है. ऑलराइट, कर्क्यूमिन अल्जाइमर्स जैसे मेमोरी रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने में भी मदद, मतलब एक एफिशिएंट इंग्रेडिएंट है. इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉम्बैट करने के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है. सो कर्क्यूमिन को हम डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए और एज रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस को मैनेज करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं. ये एक USP वेरीफाइड कर्क्यूमिन है और सजेस्टेड डोसेज अगर आप जनरल वेलबींग के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम आपको एक कैप्सूल रेकमेंड करते हैं रात को खाने के बाद, प्रेफरेबली विद वार्म मिल्क, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ. और अगर आपको इनमें से कोई भी हेल्थ कंडीशंस है जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर, तो वो केस टू केस वेरी होता है. तो जनरल मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए हम आपको 2 सब कैप्सूल्स लेने के लिए रेकमेंड करते हैं और अगर आप कैंसर पेशेंट है या कैंसर सर्वाइवर है तो आप 3 to 4 कैप्सूल्स इन अ डे ले सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ स्पैन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके. ऑलराइट, तो टारगेट कस्टमर्स जनरल वेलबींग और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
डायबिटिक्स जिनमें ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है और जिन्हें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स ऑफ द जॉइंट्स है वो इसे ले सकते हैं, जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का रिस्क है वो इसे ले सकते हैं, और पर्टिकुलरली विमेन जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है वो कर्क्यूमिन को रेगुलरली ले सकते हैं। तो पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस क्या है? PCOS is polycystic ovarian syndrome, जहाँ पे आप ovaries में बहुत सारे cysts देखते हैं, और endometriosis एक ऐसा condition है जहाँ पे uterus का जो lining है वो thicken हुआ होता है। तो ये दोनों conditions में क्या होते हैं, औरतों को irregular periods होते हैं। तो regularly curcumin supplement को लेने से हमने ये देखा है कि women जिन्हें PCOS या endometriosis का problem है उनका जो periods है वो regularize हो जाता है। Alright? तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कार्डियो सपोर्ट प्लस। तो ये एक हेल्थी हार्ट आपके वाइटालिटी एनर्जी लेवल्स और एंड्योरेंस लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। तो कार्डियो सपोर्ट में चलिए क्या है देखते हैं। इसमें है एल आर्जिनाइन, कोएंजाइम क्यूटेन, अल्फा लिपोइक एसिड और लाइकोपीन। तो एल आर्जिनाइन जो है वो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके ब्लड फ्लो को आर्टरीज में इम्प्रूव करने में मदद करता है, और एल आर्जिनिन और कोएंजाइम क्यूटेन जो टुगेदर है वो दोनों साथ में मिलके आपके एंडोथेलियल फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कोएंजाइम क्यूटेन आपके बॉडी में एनर्जी देने में मदद करता है, तो उसे हम एनर्जी हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो जनरली एजिंग के साथ हमारे सेल्स की जो कोएंजाइम क्यूटेन प्रोडक्शन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोएंजाइम क्यूटेन से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ALA और लाइकोपीन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन से आपके हार्ट को बचाने में और फ्री रेडिकल डैमेज से आपके हार्ट को बचाने में काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए कार्डियो सपोर्ट के बेनिफिट्स देखते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ओके, इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव करने में, आपके एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसमें जो एल आर्जिनिन है और कोएंजाइम क्यूटेन है वो आपके इनफर्टिलिटी इश्यूज को और आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिसके वजह से हम इसे जनरली मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी रेकमेंड करते हैं। ओके, तो ये जनरली आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये आपके कार्डियो ओवरऑल हार्ट को हेल्दी रख सकता है, आपके हार्ट को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा के। ओके, सो इसके अलावा इसमें बाकी हार्ट हेल्दी विटामिंस और मिनरल्स हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ओके, सो कार्डियो सपोर्ट का सजेस्टेड यूसेज है 1-2 सॉफ्ट जेल्स डे आफ्टर ब्रेकफास्ट और डिनर। ऑलराइट, सो टारगेट कस्टमर्स कौन है? पीपल जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, जिन्हें अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने की इंटरेस्ट है, जो अपने हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और डायबिटिक्स या ओबेस पीपल जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए ज्यादा प्रोन है। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मल्टीग्रीन मिक्स। तो इसमें है 8 ग्रेन्स, 4 नट्स, सागो और कार्डमम। ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट मिक्स है। ये हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर है। इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जैसे एसेंशियल मिनरल्स है, और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स और विटामिंस भी है। तो ये एक ऐसा मिक्स है जो हर एज ग्रुप के लिए एक हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। 3 साल की उम्र से प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग मदर्स से ओल्ड पीपल और डायबिटिक्स तक ये सब लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 100% नेचुरल फॉर्मूला है। इसमें There is no sugar added, इसमें कोई भी तरीके का स्वीटनर्स नहीं है, इसमें कोई भी तरीके का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये बच्चों में उनके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में, उनके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में, और उन्हें उनके स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए और उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। एडल्ट में ये एक हाई प्रोटीन मिक्स है जो आपके बॉडी वेट को मैनेज करने में मदद करता है, हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए इसमें प्रोटीन, ये एक प्रोटीन रिच मिक्स है और एक कैल्शियम रिच मिक्स है, और क्योंकि इसमें कोई भी तरीके का प्रिजर्वेटिव्स, शुगर या स्वीटनर नहीं है, ये डायबिटिक्स के लिए भी एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। ऑलराइट, तो इसका सजेस्टेड यूसेज 25 ग्राम्स ऑफ द मिक्स दूध या पानी में डाल के उसे गैस स्टोव पे सिम में रख के अच्छे से कुक होने दें। उसके बाद जब वो पॉरेज कंसिस्टेंसी में आ जाएगा
तो उसमें आप चाहे तो गुड़ या शक्कर या जो चाहे आप अपना रेसिपी बना के इसे आप ले सकते हैं. ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पिरुलिना. तो स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गे है जिसे हम एक सुपर फूड कहते हैं. तो हम इसे सुपर फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, मिनरल्स के साथ आता है और इनमें इतने कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे रेगुलर विटामिंस वेजिटेबल्स में भी नहीं होते हैं. इसमें 1000 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स है देन आवर वेजिटेबल्स. इसमें 56 टाइम्स मोर आयरन है देन स्पिनच. इसमें प्रोटीन है और इसमें गामा लिनोलिक एसिड है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड है. ये एक ऑर्गेनिक स्पिरुलिना है और ये हमारा जो टैबलेट है वो 100% स्पिरुलिना है. इसमें हमने कोई भी तरीके का एक्सीपिएंट्स या कोई भी तरीके का केमिकल्स नहीं डाले हैं. ओके, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है. ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है. इसका जो मिनरल और वाइटामिन प्रोफाइल है वो बहुत ही वास्ट है बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट है. तो इसका सजेस्टेड यूसेज है 2-4 टैबलेट्स अ डे. सो 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग एंड 2 टैबलेट्स इन द नाइट आफ्टर फूड. ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रम जो एक च्यूएबल टैबलेट के तौर पे अवेलेबल है. तो काउ कोलेस्ट्रम एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे हम कोलेस्ट्रम से बनाते हैं. तो कोलेस्ट्रम वो दूध है जो एक मैमल या एक औरत प्रोड्यूस करती है अपने डिलीवरी के इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर. तो 48 आवर्स के अंदर जो दूध हमारे बॉडी से निकलता है वो रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिंस होता है या इम्यून सेल्स होता है जिसके वजह से इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ता है. ओके, तो हमारा जो काउ कोलेस्ट्रम है वो इंडियन काउ से निकाला गया है जिसके वजह से वो कोई भी तरीके का एलर्जी या चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें बचाने में मदद करेगा. ये एक नेचुरल इम्यूनिटी एनहांसर है. ये एक नॉन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है. ये एक नॉन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है. माने इसमें हमने अलग से कोई भी तरीके का मिनरल्स या विटामिंस नहीं डाले हैं. इसमें जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यून फैक्टर्स है वो सारे ऐसे हैं जो ओरिजिनली दूध में प्रेजेंट है. और क्योंकि हम इसे लो टेम्परेचर में ट्राई करते हैं ये सब इंटैक्ट होता है और इसका बेनिफिट हमें इन च्यूएबल टैबलेट से मिलता है. इसमें 30% इम्यूनोग्लोबुलिंस है. अगर आप मार्केट में कोई और कोलेस्ट्रम सप्लीमेंट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 20% इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं. ऑलराइट, तो इसके की बेनिफिट्स ये हैं कि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस है. ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, आपका एक हेल्थी गट बनाए रखने में मदद करता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है, आपको एलर्जीज से फाइट करने की क्षमता देता है. ओके, और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे बढ़ाने में मदद करता है. सजेस्टेड यूसेज 1-2 च्यूएबल टैबलेट्स. 4 साल से 8 साल तक 1 च्यूएबल टैबलेट, 8 साल के ऊपर 2 च्यूएबल टैबलेट्स. और अगर आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस लाइक टीबी या कैंसर तो अप टू 4 टैबलेट्स एक दिन में आप ले सकते हैं. ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है किड्स आई. तो ये एक ग्लूटेन फ्री गमी के फॉर्मेट में अवेलेबल है. तो इसमें है ल्यूटीन, जियाजैंथिन और एस्टाजैंथिन. तो ये आपके आंखों को डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाता है और ब्लू लाइट से बचाने में मदद करता है. तो इसमें है ल्यूटीन, आर जियाजैंथिन और आरएस मीसोजियाजैंथिन. तो जैसे नेचुरली हमारे आंखों में 5:1 रेशियो में ये प्रेजेंट है उसी तरीके से हमने किड्स आई गमीज में भी ल्यूटीन जियाजैंथिन की जो रेशियो है उसे 5:1 में मेंटेन किया है. और इसमें एस्टाजैंथिन है जो आपके ब्रेन और आईज को प्रोटेक्ट करने में काम करता है. तो चलिए इसके की बेनिफिट्स देखते हैं. ये आपके विजुअल फंक्शन को बनाए रखता है, डैमेजिंग ब्लू लाइट से आपकी आंखों को बचाता है, आपकी रेटिनल सेल सेंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी विजन को शार्पर बनाने में मदद करता है और यू नो लो लाइट में आपके विजन को शार्प बनाने में मदद करता है, आपके आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है. ऑलराइट, सजेस्टेड यूसेज 4 साल से 8 साल के लिए 1 गमी, 8 साल के ऊपर 2 गमीज अ डे. इसे एडल्ट्स भी ले सकते हैं ताकि उनका जो विजन और कॉग्निशन है वो बनाए रखता है. हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिल्क कैल्शियम. सो मिल्क कैल्शियम जो है वो है फोर्टिफाइड विद मैग्नीशियम, विटामिन D3 और जिंक. ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है. सो यूजुअली अगर आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट देखते हैं तो वो एक सिंथेटिक सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है
जहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम ऐड किए जाते हैं, बट हमारा जो मिल्क कैल्शियम है ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है और इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है। ये एक फास्ट डिस्पर्सिंग फॉर्मूला है जिसका फास्टर डिसोल्यूशन है और फास्टर एब्जॉर्प्शन है। तो अगर आप हमारा टैबलेट कोई पानी के गिलास में डालते हैं तो 1 मिनट के अंदर वो घुल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप हमारे मिल्क कैल्शियम टैबलेट को खाते हैं 1 मिनट के अंदर वो डिजोल्व होकर अपना काम आपके बॉडी के अंदर शुरू कर देता है। चलिए इसके की बेनिफिट्स देखते हैं। ये आपके बोन ग्रोथ, स्ट्रेंथ और डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है, आपके नॉर्मल मसल फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशंस को मैनेज करने में मदद करता है, आपके रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स को कम करता है, आपके दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है। सजेस्टेड यूसेज 1 to 2 टैबलेट्स अ डे विथ वार्म मिल्क, गर्म दूध के साथ रेकमेंडेड है। अगर आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी कैल्शियम सप्लीमेंट दिया है और अगर आप मिल्क कैल्शियम लेना चाहते हैं तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप आपके एलोपैथिक रेकमेंडेड टैबलेट को स्टॉप करके हमारा मिल्क कैल्शियम ले। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम 3 टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की जरूरत जो होती है कैल्शियम की वो ज्यादा होती है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज सपोर्ट। ये एक यूनिक फॉर्मूला है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए। तो इसमें हमने डाला है मेथी, सप्तरंगा, वृक्षामला, यष्टि मधु और अर्जुना। ओके, तो हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने से कहा गया है कि मेथी सीड्स जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। तो हमने इसी चीज को क्लासिक आयुर्वेदा से लिया है और मेथी को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में और आपके रेट ऑफ शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करने में मदद करता है। सप्तरंगा आपके पैनक्रियाज की जो फंक्शनिंग है उसे इम्प्रूव करने में मदद करता है। वृक्षामला आपके वेट को मैनेज करने में मदद करता है क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो तो आपको आपको वेट भी मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। यष्टि मधु जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड आयुर्वेदिक एंटी डायबिटिक है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। और इसमें अर्जुना है जो आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सजेस्टेड या रेकमेंडेड डोसेज है 1 to 2 कैप्सूल्स 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। तो ग्लूकोज सपोर्ट एक ऐसा सप्लीमेंट है एंटायर ब्लू लाइफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रेंज में जिसे हम खाने के पहले लेने के लिए रेकमेंड करते हैं। हमारा बाकी सारे सप्लीमेंट्स जो है उसे आप खाने के बाद लें। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉइंट सपोर्ट। सो ये है आपके ऑप्टिमम जॉइंट हेल्थ के लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो ग्लूकोजामाइन, बोस्वेलिया, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस और शुंठी है। तो ये सारे जो है ये सिनर्जी में आके आपके आर्थराइटिस रिलेटेड पेन को रिड्यूस करने में, सूजन को रिड्यूस करने में, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, स्टिफनेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। और सिसस क्वाड्रेंगुलरिस जो है उसे आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट में एक बोन सेटर कहा जाता है जो आपके बोन ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है और ब्रोकन बोन्स को हील करने की क्षमता रखता है। ओके, तो इसका सजेस्टेड यूसेज है 1 to 2 टैबलेट्स पर डे। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है तो आप 2 टैबलेट्स अ डे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है लिवर सपोर्ट। ये वही लिवर सपोर्ट है जो हमारे डिटॉक्स किट में है। सो द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। हर्बल टी, अगेन द सेम प्रोडक्ट जो हमारे डिटॉक्स किट में हमने ऑलरेडी देखा है। इसके अलावा हमारे पास है प्रीमियम फॉरेस्ट फ्रूट ग्रीन टी। तो ये एक ग्रीन टी है विथ ट्विस्ट ऑफ बेरीज। तो ये रिच इन पॉलीफेनॉल्स है, ग्रीन टी कैटेचिन्स है इसमें, इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करता है और आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। राइट, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रीन टी कैटेचिन्स आपके बॉडी को बचाता है। तो ओरिजिनल ग्रीन टी जो है वो उसमें थोड़ा सा बिटर और नटी फ्लेवर होता है। तो कई लोगों को ये हर्बल ग्रीन टी का जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ग्रीन टी इज विद अ ट्विस्ट ऑफ बेरीज जो उनके लिए एक राइट चॉइस ऑफ ग्रीन टी होगा, जहाँ पे उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उसके साथ एक रिफ्रेशिंग टेस्ट भी मिलेगा। तो एक टी बैग को गर्म पानी में डिप करके उसे गर्म भी पी सकते हैं, या अगर आपको बेरीज के फ्लेवर को एंजॉय करना है एज अ कोल्ड ड्रिंक तो आप हॉट वाटर में ये टी बैग को डिप करके उसके बाद इस ग्रीन टी को चिल करके इसे एक चिल ड्रिंक के तौर पे भी आप
ले सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू. आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0804661099 पे. हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8149977299 पे. थैंक यू. तो